मुल्क भर में ईद उल फित्र आज मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक में भी ईद उल फित्र के इज्तिमात फलस्तीनी ईद खौफ और वहशियाना बमबारी के साए में गुजार रहे हैं। भारत और बांग्लादेश में ईद जुम्मे को होगी। एहसास और दर्द ही इंसानी मुआशरे की असल ताकत और पहचान है। हम कोरोना वबा की तीसरी लहर से नबरुद आजमा हैं। कौम से दरख्वास्त है कि ईद पर कोरोना एसओपीस पर अमल करें। वजीर आजम का ईद पर पैगाम। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद पर मोहताज तबकात का ख्याल रखें। फलस्तीन और मकबूजा और जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम कमर तोड़ महंगाई की वजह से ईद के रवायती खुशियों से महरूम रहे, लोग ईद सादगी से मनाएं। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में रात गए फैसला कर लिया गया। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने का फैसला रात को किया गया, काबीना को भेज दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी एक मुलजिम के साथ खसूसी सुलूक नहीं हो सकता, अफगानिस्तान में अमन वक्त की जरूरत है। और नूरुल हक कादरी आमने सामने, चांद का नजर आना मुमकिन नहीं, झूठ बोलकर बाहे मुकद्दस का इख्तिताम करना कहां की अकलमंदी है। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदी अरब के मुताबिक मनानी है। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी का ट्वीट, नूरुल हक कादरी ने कहा ईद का फैसला करना किसी वजीर या शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं। चांद पर तनाजा, हमने कहा था ऐलान कर दो, चांद नजर नहीं आया, मगर उन्हें यकजहती और वहदत का दौरा पड़ा हुआ है। आने वाली शहादतों की कोई हकीकत नहीं थी। चांद देखने के मामले पर रोए तहलाल कमेटी में इख्तलाफात सामने आ गए। ऐलान से पहले सीनियर रुकन मुफ्ती यासीन जफर की गुफ्तगू सामने आ गई। फोन पर कमेटी अरकान को कमजोर लोग करार दे दिया, कहा रात के 11:30 बजे ये चांद दिखाकर ही रहेंगे। आज मुफ्ती मुनी बहुत याद आ रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से मसले फ़लस्तीन पर बात करूंगा। पाकिस्तान और तुर्की अक़वामे मुत्तहिदा और OIC का इजलास तलब करने का मुतालबा कर रहे हैं। पूरी दुनिया को मसले फ़लस्तीन पर सोचना होगा। वज़ीर ख़ारिजा और शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में ईद नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तुर्क सदर और सऊदी फरमान रवा से इस पूरे माहौल पर गुफ्तगू हुई है। जुल्म और बर्बरियत की दास्तान गजा लहूलुहान। इसराइली फजाई हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 56 हो गई। 13 बच्चे हमास के कारकुन भी शामिल, सैकड़ों फलस्तीनी जख्मी। इसराइली जारियत पर अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आज सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान, तुर्की, अमरीका, बरतानिया, स्पेन समेत मुख्तलिफ ममालिक में रैलियाँ।